हो गया। फिर 41 पर आते हम लोग, ये हैं प्रोफेसर शर्मा जी, शर्मा आ रहे हैं। चलो, तीन हाउस इनके पास, 1, 2 और 3। आगे पढ़ो इसमें, ऑल द थ्री हाउसेस आर यूज्ड बाय प्रोफेसर शर्मा फॉर हिज ओन रेजिडेंस पर्पज। हमने बताया था अगर तुम्हारे पास एक दो से अधिक मकान है तो क्या करोगे, दो क्या माना जाएगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड, और एक क्या मान लिया जाएगा आपका, डीम टू बी लेट आउट, और लेट आउट मान के आप क्या करेंगे उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे, या डिपार्टमेंट तुम्हारे पर टैक्स लगाएगा, ठीक है ना। गवर्नमेंट क्या बोला, पहले बोला तो एक मकान रख सकते हो, अब बोला दो मकान रखो, दो का हम जीएबी क्या मानेंगे, जीरो। अगर मान लो तुम्हारे पास दो एक से अधिक मकान है, दो से अधिक मकान है, तो जिसकी भी तुम दो की बोल दोगे वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। कब, जब उसमें आप खुद रह रहे होंगे। लेकिन उससे ज्यादा जो मकान होगा आपका वो क्या करेगा, डीम टू बी लेट आउट मान लेगा और उस पर क्या कर देगा, टैक्स चार्ज कर देगा। किस हेड में, इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी में। अब देखो इसकी जीएबी कितने की है, सॉरी जीएबी कह रहे हैं, म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू कितने की है, इसकी कितने की है और इसकी कितनी है की? तो आप बताइए कौन से दो, पहले इधर ध्यान दे जो छाप रहे हो, समझे नहीं ना, छापना चालू कर दिए। तीन मकान है, एक का म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू, दूसरे का और तीसरे का, किसको आप लेट आउट मानेंगे, किसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे, आप बताएं अपने दिमाग से। पहले तुम गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा देना चाहती हो क्या? कौन ईमानदार बच्चा बैठा हुआ है जो टैक्स खूब देगा गवर्नमेंट को? ये देखो ये दोनों, दोनों सबसे बड़े चोर हैं। बात समझ रहे कि नहीं, दूसरे की थाली पराठा खा लें ये लोग पाए थे, बता नहीं टैक्स देंगे गवर्नमेंट। अब ध्यान दो, अगर जिसका वैल्यू हायर होगा आप अगर उसको क्या मान लें, सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लें, आपका टैक्स सेविंग होगा कि नहीं। अगर कम वैल्यू वाले हाउस प्रॉपर्टी को आप लेट आउट कैलकुलेट करोगे तो कम वैल्यू टैक्स के पे करने पड़ेंगे ना आपको। ध्यान दोगे आप, तो हमने क्या किया, हाउस नंबर 2 और 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लिया क्योंकि उसकी जीएबी क्या थी, सॉरी एमआरबी क्या था, हायर था। हम देखो बार बार जब तुम कैपिटल गेन पढ़ रहे थे तो जिसका वैल्यू हायर था उसको क्या किया था तुमने, उसी का फेयर मार्केट वैल्यू कंसीडर कर रहे थे। कार का जब वैल्यूएशन कर रहे थे सैलरी में, पर्सनल किसको मान रहे थे, जिसकी वैल्यू कम थी, हायर वालों क्या मान लिया आप? तो दिमाग लगाया करो, यहां पर सब जगह कम नहीं, तुमको कोई बोले कम खाओ, खाओगे कम, कहोगे कि जितना पेट है उतना ही तो खाएंगे ना, अब पता नहीं तुम्हारे पेट में कितना चला जा रहा है। अरे अपना भी देखो, इधर ध्यान दो। तो पहला वाले हाउस को आपने क्या मान लिया यहां पर लेट आउट, दूसरे और तीसरे क्या मान लिया, सेल्फ ऑक्यूपाइड। इनकी जीएबी क्या हो गई, जीरो, इनकी जीएबी जीरो। या आप क्या करोगे, सबसे पहले आप जीएबी कैलकुलेट करो, उसके बाद चेक करो जिसकी जीएबी ज्यादा हो जिन दो हाउस की, उनको आप क्या ट्रीट करो, सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो अगर जीएबी कैलकुलेट करना है, एमआरबी दिया है पहले का 50, दूसरे का 60, जीएबी कितनी आ गई, हायर क्या है 60, इसका भी देखो एमआरबी 75, एफआरबी 90, दोनों में हायर क्या है 90। सेम बात यहां पर भी अप्लीकेबल है, 96 और 1,15,200। इसकी जीएबी क्या है, हायर है कि नहीं, और इसकी भी जीएबी क्या है। इन दो फ्लैट को या हाउस को आप क्या ट्रीट कर लोगे, सेल्फ। इसकी वैल्यू कम है, इसको आप क्या ट्रीट करेंगे, लेट आउट। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रहा है, नोट करो। नोट पढ़ लोगे, वही बात नोट पर हमने लिख दिया है।
हो गया कि नहीं? लोन कब ले रहे हैं आप? सेकेंड हाउस को बनवाने के लिए लोन ले रहे हैं। कितना भाई? 150,000 रुपया। कितने परसेंट पर? 12% पर। और कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हो रहा है? 13 नवंबर 2018 को। इसके पहले का जो 31 मार्च है, क्या माना जाएगा आपका? ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो देखोगे भाई 1/8/17 से 31/3/18 तक का जो टाइम पीरियड है वो क्या हो गया आपका? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। कितने समय के लिए? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 एट मंथ के लिए। तो 8 महीने का जो टाइम है तुम्हारा क्या हो गया? ये प्री कंस्ट्रक्शन। क्या हो गया? हम सोचा और कुछ पीने की बात करें आप लोग। कुछ लोग सकल से ही पियक कर लगते हैं। फोर्टी टू का पेपर में आने का चांस ज्यादा, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। आगे बढ़ूं मैं? जीएबी आ गया, हाउस नंबर वन का 60,000 रुपए, सेल्फ ऑक्यूपाइड दोनों का 0। म्यूनिसिपल टैक्स कितना है भाई? म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू का 10%, 5,000 आ गया यहां पर 50,000 की वैल्यू का। तो यहां पर एनएबी आ गया आपका 55,000। यहां तक बात क्लियर है आपको? आप देखें लोन का कैलकुलेशन करें, देखेंगे प्री पीरियड का जब आप इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट कर रहे हो, 1,50,000 रुपए का लोन है 12% के रेट से, कितना हो गया भाई? 18,000। 8 महीने का जो पीरियड है वो प्री कंस्ट्रक्शन का है, 8/12 कर दोगे आप, कितना गए? 12,000। ठीक है ना? 5 इंस्टॉलमेंट में आप इसका डिडक्शन ले सकते हो, इसका मतलब पर ईयर कितना डिडक्शन लेंगे आप? 2,400। जब आप पोस्ट का कैलकुलेशन करोगे कितना है भाई अमाउंट? 1,50,000 का 12%। ठीक है, कितने महीने के लिए कैलकुलेट करे हो? क्यों? चार महीने अच्छा देखोगे भाई वो कह रहा है 1/8/17 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, लोन का पेमेंट कब कर रहा है? 31/7/21 को। जब हम लोग 2021-22 की इनकम का कैलकुलेशन करेंगे प्रीवियस ईयर में, तो आपको ध्यान देना है कि यहां पर वो 4 महीने के बाद लोन का पेमेंट कर दे रहा है, यहीं पर वो रीपे कर दिया लोन का।
ठीक है, आप 1/7 को पेमेंट कर दिए तो 4 महीने करंट ईयर में आपने यूज किया कि नहीं यूज किया। तो ध्यान रखो 1,50,000 का लोन है 12% की रेट से 4 मंथ के लिए, कितना इंटरेस्ट आ गया, ये पोस्ट का इंटरेस्ट हो गया। तो ध्यान रखो 2,406,000 माइनस कर दिया, लॉस कितने का आ गया, 8,400 का। आप कैलकुलेट करें नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी थर्ड की वैल्यू क्या गई, इनकम इससे कुछ है नहीं, जीरो। फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी नंबर जो 2 है उससे जो वैल्यू आई है निगेटिव आई कितनी, 8,400। और पहले से जब 55,000 का आपने 30% माइनस कर दिया 16,500, इसके अलावा इसमें कोई इंटरेस्ट का अमाउंट है नहीं, इससे आपको 38,500 की इनकम हो गई। इस इनकम से तुमने इस लॉस को सेटअप कर लिया, तो कितना नेट प्रॉफिट बचा आपके पास, 30,100। कौशिक यार ये भी तो इजी था, क्वेश्चन नंबर 42 आपका होमवर्क है, आप लोग खुद से करेंगे इसको। ये हो गया भाई, ये हो गया है सबका। ठीक है फिर।